एक शेर था और हाथी थे। तो जंगल में एक मीटिंग हुआ कि जहाँ मतलब शरीर के हिसाब से हाथी का शरीर बहुत भारी था और शेर का कम, और ताकत में भी हाथी कम है लेकिन दहाड़ने में, उसकी आवाज़ निकालने में। तो सबके बीच मीटिंग हुआ, तो हाथी को बोले कि अपना आवाज़ निकालो, तो हाथी का आवाज़ बहुत कम निकला, और शेर मतलब शेर को बोले कि अपना निकालो, तो शेर की आवाज़ इतना हुआ कि सब जानवर डर के भागने लगे, इसलिए उसको राजा कहा जाता है जंगल। मेरा नाम संतु सिंह तेकाम है और मैं गोंड आर्ट का काम करता हूँ। गोंड पेंटिंग जो ट्राइबल आर्ट बोलते हैं, नाना जी जंगल जी श्याम ने इसका उत्पत्ति किया। तो वो पहले गांव पे मिट्टी में, मतलब मिट्टी के दीवार हैं उसमें ब्रश भी नहीं होता था उस समय, ऐसे ही बेम्बू का ब्रश बना के वो काम किया करते थे। तो मिट्टी से बनाते बनाते फिर उसको वो भोपाल चले गए, वहाँ से फिर इसकी उत्पत्ति हुई, उसी ने किया, जनवर सिंह श्याम ने। मैं इस काम को भोपाल में मेरे मौसा जी हैं सुरेश कुमार धुर्वे, उससे सीखा। 9th क्लास में था सबसे सीखा मैं, 2008 से स्टार्टिंग किया इसको। और सीखने के बाद फिर मैं गांव आ गया, अपना पाटनगढ़ जा गया, खुद का काम करते करते। जैसे एग्जीबिशन होता है उसमें एक मतलब जुड़ते जुड़ते एग्जीबिशन में गए, दिल्ली गए, बम्बई, चेन्नई, ऐसे करते करते अपना जो भी इसमें काम चलता है। आजकल क्या नए नए काम आ गए हैं, तो ये मतलब अपना लुप्त होते जा रहे हैं। यही दिखाना चाहते हैं अपने पेंटिंग के माध्यम से कि हमारे गांव देहात में ऐसा चलता है, जो परंपरा है, जो मतलब डांस करते हैं वो भी अपनी पेंटिंग, उसी को हम लेके, उसकी कहानी को लेके हम पेंटिंग में दर्शाते हैं। जंगल में हो गया शेर, हो गया मोर, हो गया पक्षी, जो भी देखते हैं जंगल में, उसको हम यही पेंटिंग के माध्यम से दर्शाना चाहते हैं। दिमाग में नई चीज़ आती है ना कि हम किसी चीज़ को अगर दर्शाने चाहें, नई चीज़ जो बनती है अपने आप स्वयं से, अगर वो बनने के बाद बहुत मतलब अच्छा लगता है कि हाँ मैंने कुछ नया किया ऐसा। तो इसमें मुझे हाथी और टाइगर और उल, ये बहुत अच्छा लगता है मुझे बनाने में। ये अपना सीट करते हैं A4 का, तो उसमें 2 दिन तो मान के चलो, और जैसे कैनवास होता है साइज के ऊपर 2x3 का करें तो 8 से 9 दिन लगते हैं इसमें। मेरे अभी तक की फेवरेट पेंटिंग ये वो हाथी और वो शेर वाला, पता नहीं वो मुझे इतना पसंद, जब मतलब जिस बार भी उसको बनाऊँ वो मतलब बिक ही जाता है, सेल हो ही जाता है वो। मतलब अपने क्षेत्र में तो सेल नहीं है, जब तक हम बाहर नहीं निकलेंगे तब तक पेंटिंग के सेल नहीं हो पाती, इसलिए अपने क्षेत्र में सेल इसका बहुत कम है। जो जानते हैं इसके बारे में वो थोड़ा बहुत करते करते फिर उनको थोड़ा नॉलेज हो जाता है, तो करते करते वो भी कर रहे हैं। तो मतलब आर्टिस्ट पाटनगढ़ में हर घर में आपको मिलनी है। जो अपना वर्क करते हैं ना, जिस वर्क में ज़्यादा काम हो वो थोड़ा महंगा होता है इसमें। मेरे सबसे पेंटिंग मतलब 1,20,000 तक से और ऊपर भी गया है, इतने तक सेल हो चुका है एक पेंटिंग। मैं एक हिरन बनाया था, हिरन के ऊपर 3x3x5 की बनाया था, हिरन के ऊपर बर्ड बैठाया था, उसको मतलब थाईलैंड जो फॉरनर थे उसने खरीदा था। लेकिन सस्ता आर्टिस्ट को नहीं देना चाहिए, अपना कला का वैल्यू एक रखना चाहिए, जो अपना कला जो मेहनत करते हैं उसका वैल्यू होना चाहिए। तो यही होता है कि कभी कभी लोग क्या करते हैं, थोक में लेने वाले मतलब आ गए, उनको सस्ता दे दिया, तो इससे उनका कला का वैल्यू डाउन हो जाता है, इतनी वो नहीं हो पाती उनको। मैं तो यही कहता हूँ जितना हो सके किसी का कॉपी ना करें, अपने दिमाग से जितना हो सके उतना बनाएं और अच्छा बनाएं, ताकि लोगों को भी अच्छा लगे। हम यही कहना चाहते हैं कि जो अपने संस्कृति कला है वो बची रहे, ये लुप्त ना हो।